तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस थीटा बैच में। आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से जो लेशन 8 था त्रिकोणमिति उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रिक का फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं। इस 9 लेशन को समझेंगे, याद रखिएगा। लगभग चार मतलब कि 32 से 34 नंबर, कभी कभी तो इसमें 40 नंबर का ये दो लेसन मिला करके पूछ देता है। 8 और 9 ये जो दो लेसन है यानी दो एक्सरसाइज आपका जो भी क्वेश्चन है, कभी कभी 40 नंबर का भी दो में से पूछ जाता है। यानी पूरे मैथमेटिक्स में अगर आपको 95 प्लस नंबर लाना है, 95 से ऊपर, तो आप 8 और 9 लेसन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से हर एक फॉर्मूला को दिमाग में फिट करना है। और वो फिट करने के लिए आपको रटना नहीं है, आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट खोल करके देखिए ज्ञापन एकेडमी में। इसका हर एक फॉर्मूला का ट्रिक हम बताएं बहुत ही आसान तरीका से, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा जितना जबरदस्त वो ट्रिक है। 8 और 9 लेसन से अगर आप वो पढ़ लेते हैं और टोटल फॉर्मूला याद हो जाता है तो आपका 95 एनी हाउ आना है। ये लिख के दे रहे हैं कि 95 आएगा ही आएगा। ये भी एक्सरसाइज है, ये भी बहुत आसान होता है और इसमें से भी 5 नंबर वाला एक रहता है और सब मल्टीपल चॉइस वाला भी रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा मल्टीपल चॉइस आता है सूर्य द्वारा जो कोण बनाया जाता है, यानी कि सूर्य वाला जितना क्वेश्चन आएगा आपको मल्टीपल चॉइस में हम सब करा देंगे। लाइन बाय लाइन 1 से लेकर 15 तक लेसन में हर एक लेसन का जो एग्जाम में पूछा गया है वो आप प्रीवियस ईयर में जितना पूछा गया, जैसे कि 1 लेसन में 10 साल का प्रीवियस ईयर 1 लेसन में से क्या क्या पूछे उसका एक पूरा क्रॉस लिस्ट बना करके और आपको एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपका 95 प्लस आएगा। पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें 95 प्लस आया, इस बार भी आपका आएगा। ठीक है, सूर्य वाला क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है। जो 9 लेसन है त्रिकोणमिति के कुछ अनुपयोग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें 2 नाम आता है, एक आता है उन्नयन कोण और एक आता है अवनमन कोण। ये आखिर होता क्या है उन्नयन कोण, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ट्रिक से समझिएगा, कहानी से समझिएगा। उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन, नयन माने होता है आँख, उ यानी ऊपर। अगर किसी भी चीज को आप देख रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप, ऊपर देख रहे हैं, तो वहां जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं। नहीं समझे? अच्छा एक बात बताइए, किसी चीज को आप देखते हैं तो पहले सामने देखते हैं, कहाँ देखते हैं, सामने देखते हैं। मान लीजिए कि आपका ये आप है, ठीक है, मान लीजिए कोनो छोटुआ है ये, ठीक है, ये पहले किसी भी चीज को ऊपर देखा तो पहले ये सामने देखेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, सर उठा के देखेगा, अच्छा वो है, तो ऐसे काम करेगा। तो पहले ये क्या देखेगा, सामने देखेगा, फिर ये जिसको देखना होगा ऊपर छत पर जिसको देखना होगा वो उसके तरफ आँख घुमाएगा, पहले सामने देखेगा फिर वो अपने सर को क्या करेगा, धीरे से ऊपर करेगा। तो बताइए सर को उन्नयन किया कि नहीं, अपने नयन को ये ऊपर किया, तो जो सामने देखा, और सामने को 36 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 36, और फिर अपने सर को ये ऐसे करके उठाया ऊपर वाली को देखने के लिए, मतलब ऊपर देखने के लिए, तो वहां जो कोण बनता है उस इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। अगर आप बारात वगैरह में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप तो बारात देखते हुए जाते ही हैं, लेकिन कभी कभी छत पर भी एक नज़र मार लेते हैं, तो क्या करते हैं आप करते क्या है कि सामने देखते देखते सर को ऊपर कर लेते हैं। तो पहले तो आप सामने देखें फिर अपने सर को ऊपर कर लिए, तो इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, इसी कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि अपने नयन को अगर ऊपर कर रहे हैं तो वहां जो कोण बन रहा है आपके सामने यानी 36 और ऊपर करने वाले के बीच में जो ये गैपिंग बचा है, इस कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि उन्नयन कोण समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं अवनमन कोण। ठीक है, नमन माने होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना, सलाम करना। ठीक है, तो आप जब किसी को नमन करते हैं तो झुक के करते हैं, मतलब झुक के करते हैं, जैसे भी हो आप क्या करते हैं, नमन करते हैं तो झुक के करते हैं। तो अगर आप कोई भी ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से नीचे झुकते हैं, ऐसे नहीं ना नीचे ऐसे झुकते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, नीचे झुकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं झुका जाता है, वो तो कहा जाता है कि आप सीधे हो गए। ठीक है, तो जिस जैसे आप नमन करते हैं तो झुकते हैं, और झुकते हैं तो अगर पैर छू करके प्रणाम करना होता है तो क्या, नीचे देखते हैं, क्या करते हैं हम लोग, नीचे देखते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर ऊपर से, मान लीजिए कि यहाँ एक ऐसे लाइन हो गया, एक बिल्डिंग है, ठीक है, आप बिल्डिंग के ऊपर आप चढ़ गए हैं,
बिल्डिंग के ऊपर आप कहा गए चढ़ गए, और चढ़ गए और नीचे का बहुत खूबसूरत आप नज़ारा देख रहे हैं। तो सबसे पहले नीचे आप कैसे देखेंगे, डायरेक्ट ऐसे नीचे करते हुए तो नहीं जाएंगे, पहले सामने देखेंगे कि वो आदमी है कौन, और प्रणाम भी करना होगा तो पहले सामने देखते हैं और फिर क्या करते हैं नीचे झुकते हैं, यानी कि पहले सामने देखते हैं और फिर आप कहाँ झुकते हैं नीचे झुकते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं अनमन कोण, अनमन कोण, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशंस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा ये सब छोड़िए, अगर मान लीजिए कि जिस वक्त आप बारात जा रहे होते हैं और उस वक्त क्या होता है कि आप ऊपर देखते हैं, आप कहाँ देखते हैं ऊपर देखते हैं, तो उन्नयन कोण बन रहा है। अब मान लीजिए कि वो आपको नीचे देखे, कहाँ देखे नीचे देखे, यानी ऊपर से कहाँ देखे नीचे देखे, तो एक तो सामने वाला किसी भी एंगल को बनाने के लिए पहले क्षैतिज चलो सामने, और फिर सामने से वो कहाँ देखेगी नीचे, तो ये दोनों के बीच में यानी क्षैतिज और आँख द्वारा जो देखा जाता है वो दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे अनमन कोण कहते हैं। तो आप देखे तो उन्नयन, उधर से वो कोई भी हो जो भी देखा तो उसे क्या कहते हैं अनमन कोण कहते हैं। तो ये आपको उन्नयन और अनमन, या फिर एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी को झुक के प्रणाम करते हैं तो पहले सामने देखते हैं, ठीक है, उसके बाद जब सामने देखते हैं उसके बाद कहाँ देखने नीचे देखते हैं। तो ये जो दोनों के बीच में कोण बना ऐसे इस टाइप का कोण बना, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे अनमन। पहले हम कहाँ देखेंगे व्यक्ति को सामने देखेंगे, तो सामने हम देखेंगे, उसके बाद झुकने के लिए प्रणाम करने के लिए आदाब जो भी करने के लिए क्या करेंगे नीचे देखेंगे, उसके बीच में जो कोण बना ठीक है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं अनमन कोण कहते हैं। आ उनैन यानी नैन को ऊपर करके देखना, ऊपर अगर देख रहे हैं और फिर ऐसे देख रहे हैं इसके बीच में जो आ रहा है उसे उनैन कोण कहते हैं। तो ये उन्नयन को और अनमन को अगर समझ गए तो इस लेसन का स्टार्टिंग बेहतरीन तरीका से किया जाएगा, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आएगा। तो बिना देर के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।